नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां पर एसपी का पीआरओ बनकर पैसा लेकर अभियुक्तों को पकड़वाने के संबंध में एसओजी टीम, सर्विस लाइन टीम व अमृतपुर पुलिस ने आज गैंग लीडर सहित 3 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभागार में दी। ये थाना अमृतपुर की टीम, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा अमृतपुर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, बनाम अज्ञात 71/22 धारा 170, 419, 420 और 66 आई टी एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक फरुखाबाद के पीआरओ बनकर जो अमृतपुर के अंदर क्राइम नंबर 53/22 गठित हुआ था, उसके अभियुक्तों को पकड़वाने के नाम पर उस क्राइम के जो वादी थे अनुभव अवस्थी, उनसे इन लोगों ने फ़ोन पे बात की और बताया कि हम पीआरओ बोल रहे हैं और जो आपके आपका केस है उसके अंदर जो अभियुक्त हैं उनको अगर आपको जल्दी पकड़वाना है तो आप हमें कुछ पैसे दीजिए। इसी क्रम में जो वादी पक्ष है उसके द्वारा गूगल पे से इनको 30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और उसके बाद पुनः उनके द्वारा इनको फ़ोन करके बताया गया कि अगर और जल्दी कार्रवाई करनी है या बड़ी कार्रवाई करनी है, करवानी है इनके ख़िलाफ़, तो 50,000 रुपये और दें। इसमें वादी के द्वारा हमारे को प्रार्थना पत्र दिया गया, पूरी बात बताई गई, जिसके क्रम में थाना अमृतपुर में FIR दर्ज हुई और हमारी टीम, सर्विलांस टीम ने और SLG टीम ने और थाना अमृतपुर की टीम ने इनको आपके राजेपुर तिराया से इनको अरेस्ट किया है। ये 3 लोग हैं, इनका नाम सौरभ वाजपेयी उर्फ संजय उर्फ रानू है, एक रामाधार मोरे है और कुलदीप उर्फ चंद्र कुमार पाल है। ये एक अंतर्जनपदीय गैंग है, इनका गैंग लीडर ये सौरभ वाजपेयी है। ये पहले भी ऐसे काम कर चुका है, इसके ऊपर कुल 7 मुकदमे जनपद सीतापुर, हरदोई और आसपास के ज़िलों में दर्ज हैं। इनकी मोडस ऑपरांडी ये है कि ये न्यूज़ के अंदर चीज़ें देखते हैं और फिर उसके बाद ये उनके जो वादी होते हैं उनसे बात करते हैं। जनरली ये फ़ोन बदल कर जो भी वादी होता है या कोई कंप्लेनेंट होता है उनसे वार्ता करेंगे, उनको बताएंगे। ये कभी अधिकारी बन जाते हैं, कभी पीआरओ बन जाते हैं, कभी असिस्टेंट बन जाते हैं और उसके बाद उनसे वार्ता करते हैं और उनको बताते हैं कि हम इसे फला फला अधिकारी बोल रहे हैं या फला अधिकारी के असिस्टेंट या पीआरओ बोल रहे हैं और हम आपकी फ़ाइल भी पास करवा सकते हैं या आपका काम करवा सकते हैं। और उसी क्रम में ये कैश या गूगल पे या अन्य किसी भी मोड से ये सारी चीज़ें, ये पैसे मंगवा लेते हैं, डलवा लेते हैं और उसके बाद लॉक कर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इनके पास से हमें जो 30,000 रुपये इन्होंने मंगवाए थे गूगल पे से वो भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ इनके एंड्रॉयड फ़ोन भी बरामद हुए हैं। इनके अंदर सारे एविडेंसेज कलेक्ट करके इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी बार ये पीआरओ बने अधिकारियों के, कितनी बार ये मंत्री के पीआरओ बने, ये जनरली। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।